विभाग में कक्षा 9वीं की छात्रा दीपाली आज 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे इस अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया। हम हर साल 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस और को आगे लाने के लिए हिंदी दिवस मनाते हैं। आज के ही दिन हिंदी वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था और तभी से 14 सितंबर 1949 को हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा चुनी गई। इसके बाद भी हिंदी हमारे देश में ज़्यादा बोलने वाली भाषा से घटती गई। तब महान साहित्यकार राजेंद्र सिंह ने हिंदी भाषा को आगे लाने के लिए कड़ी मेहनत की। हम सबके लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। एक कड़ी मेहनत की हम सबके लिए हिंदी दिवस और हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा ही नहीं बल्कि हम हिंदुस्तानियों की पहचान भी है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ हमारे वतन भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन के मूल्यों संस्कृति और संस्कारों की सच्ची परिचायक भी है। गुरु शंकराचार्य ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का विवेकन इसी भाषा के माध्यम से किया था। हिंदी भाषा के विकास में संतों महापुरुषों का भी योगदान कम नहीं है। तो आइए एक कविता महापुरुषों के लिए। कईयों ने दी कुर्बानी धरती माँ के वास्ते, मिटा दिया था जो भी आया इस देश के रास्ते, क्योंकि यह धरती उनको जान से ज्यादा प्यारी थी, इसकी नजर उनको अपनी जान देकर उतारी थी। हर दिन सरहदों पर जो जान गवाया करते हैं, खुद जाकर हम उस लाया करते हैं, शहीद होकर भी वो अमर हो जाया करते हैं। ऐसे वीर शहीदों को हम सलाम करते हैं, तैनात रहते हैं सीमा पर अपनी सेना ताने, झुक नहीं सकते ये है देश के दीवाने, क्योंकि इस धरती को माँ का दर्जा मिलता है, हर फूल इस वतन में उनके चरणों में खिलता है। एक बार फिर आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।